अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं सबके। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही क्योंकि रेसिपीज़ तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ एक डिफरेंट चीज़ जो है शेयर की जाए। वो ये है कि मेरे क्लोथ्स जो हैं पाकिस्तान से आए हैं, जो कि मैंने ऑर्डर कराए थे कुछ पाकिस्तान जाने से पहले इस साल के शुरू में और कुछ उससे पहले। फिर हमने पाकिस्तान जाना था, फिर आपको पता है जो हालात हुए हैं सबके सामने हैं, लॉकडाउन हो गया, हम पाकिस्तान नहीं जा सके और मेरे देवर की शादी भी कैंसिल हो गई। तो ये अभी मेरा बॉक्स आया है जो कि, तो आइए मैं आपको क्लोज दिखाती हूँ। और ये जो कुछ व्यूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वैली ऑफ रॉक्स है इन साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड डेवन में, जो कि जहाँ हम रहते हैं, और ये हमारे घर से 40 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो ये जो सूट है ये सैफायर का है, ये इनकी विंटर कलेक्शन में से मैंने लिया था आम घर में पहनने के लिए। ये देखें, ये इसकी फ्रंट साइड है। और ये मेरी जो डिज़ाइनर है उनका नाम फिज़ा बोसन है, उन्होंने टेलर रखे हुए, वो बड़े अच्छे कपड़े बना देती हैं। ये देखो, उन्होंने नीचे इसके कटवर्क बना के, तो इसके नीचे वो कुछ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी है, और ये साथ में कुछ आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, तो वो बना दिया। और ट्राउज़र पे भी थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे ये काफ़ी मज़े का लगा, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी और सारा कुछ भी। इसकी बैक साइड है। होता ही है कि जब चीज़ें आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको श्योर नहीं होता कि कैसी होंगी। दिस वन इज़ फ्राम सना सफीनाज कलेक्शन। तो ये जी, इस पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी ऊपर हुई हुई है, ये इसके साथ दुपट्टा डिफरेंट कंट्रास्ट का। ये ट्राउज़र इसके साथ नहीं था, ये जो है उन्होंने खुद ही बना के इसको ऐसे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी है, और ये इसकी बैक साइड पर इस तरह प्रिंट सा बना हुआ। तो ये थर्ड वन जो है, इट्स फ्रॉम सोबिया नज़ीर कलेक्शन। और ये इसके ट्राउज़र पे देखे, उन्होंने कटवर्क बना दिया, और ये दुपट्टे की साइड्स पे भी तो कोने सी बना के उन्होंने इस तरह इसको थोड़ा सा अच्छा बनाया हुआ है। और इसी तरह उन्होंने बाजू के ऊपर भी जो है कटवर्क सा बनाया है, और शर्ट के नीचे भी इसी तरह उन्होंने बॉर्डर बनाया हुआ है, और ये इसके गले पे भी काफ़ी काम हुआ है। तो आई रियली लाइक दिस ड्रेस, और इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसका स्टाइल मुझे बहुत ही मज़े का लगा। मैं भी आज आपके साथ फर्स्ट टाइम ही इनको खोल के देख रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सारे क्लोथ्स जो है ऑनलाइन ही ऑर्डर कराए थे। तो इस पैक के अंदर ये तीन सूट इकट्ठे पैक हुए हुए हैं, तो मैं वन बाय वन जो है आपको दिखाती हूँ कि ये कौन कौन से हैं। ये देखें, ये तीन सूट उन्होंने एक ही पैक में रखे हुए थे। तो दिस फर्स्ट वन इज़, ये वाला जो है फोर्थ वन हो गया। तो ये सना सफीनाज की कलेक्शन है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई रियली लाइक सना सफीनाज, तो मुझे उनके कपड़े काफ़ी पसंद हैं, तो हर साल ही उनकी कलेक्शन में से मैं तीन चार सूट हमेशा ले लेती हूँ। तो ये इसकी बैक साइड है जो कि काफ़ी मज़े की है। उफ़, इसका दुपट्टा तो बहुत ही कमाल का मुझे लग रहा है, ब्लैक एंड वाइट के साथ मस्टर्ड का कॉम्बिनेशन, और फिर ये इसके साथ ट्राउज़र्स हैं जो उन्होंने बनाया हुआ है। इट्स रियली नाइस। और ये बटरफ्लाइज़ उस पर बनी हुई थी, तो उन्होंने इस तरह बटरफ्लाइज़ बना के, तो ये मेरे दुपट्टे की साइड्स पे इनको वो कर दिया, और इसी तरह की बटरफ्लाइज़ उन्होंने ये इसके बॉर्डर पे भी बनाई हैं।
दे जो कि काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो ये जो मेरे कपड़े हैं ये थोड़े से सिंपल स्टाइल के थे, लेकिन उन्होंने इस तरह थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके उसको इस तरह का टच दे दिया है कि यू कैन वेयर देम एज ए पार्टी वेयर। अगर आप किसी के घर जा रहे हो तब भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो सूट है ये भी सना सफीनाज कलेक्शन का है। ये भी सूट मैंने काफ़ी टाइम हो गया तब लिया था, और लेकिन वही फिर हम नहीं जा सके और कैंसिलेशन और लॉकडाउन के चक्कर में, तो अब ये डिलीवर हुआ है। तो इस ये भी काफ़ी अच्छा है। इसका ये दुपट्टा है, ये भी टू पीस था, दुपट्टा एंड शर्ट, और ये ट्राउज़र फिर उन्होंने खुद ही लेके इस तरह उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करके उसका पूरा यानी कि इसको थ्री पीस का बना दिया है। तो ये दुपट्टे के ऊपर तो बॉर्डर बना हुआ है और ये नेवी ब्लू है, और जो शर्ट है ये शर्ट जो है इसके फ्रंट पे ये सारा इस तरह बॉर्डर बना हुआ है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन ब्लू वाइट और रेड का है जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है ये भी। और इसके बाजू को उन्होंने वो बेल स्टाइल में बनाया है। इसकी बैक साइड है जिसके कलर काफ़ी वाइब्रेंट से हैं जो कि काफ़ी मज़े के लग रहे हैं। तो ये वाला जो सूट है ये ज़ाहा कलेक्शन में से मैंने लिया था। तो ये काफ़ी मुश्किल से मुझे उस टाइम मिला था, तो इधर उधर सारी वेबसाइट सर्च करके। तो ये इसका कलर कॉम्बिनेशन है, आई रियली लव द कलर कॉम्बिनेशन ऑरेंज एंड पर्पल या मेजेंडा का जो कॉम्बिनेशन है। इसके साथ जो दुपट्टा है वो आई थिंक जामावार टाइप है, और इसके अंदर थोड़ी शाइनी सी जो है ग्लिटरी सी लाइंस लगी हुई हैं। और ये देखें उन्होंने दुपट्टे के बॉर्डर पे ऊपर ये ट्रायंगल और राउंड से सर्कल को हाफ मून टाइप जो है वो बनाया है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं सिर्फ यहाँ से कपड़े ऑर्डर कराती हूँ तो वो फिर मेरे उनके पास चले जाते हैं, देन शी नोज़ व्हाट टू डू। मैंने उनको कभी नहीं कहा कि ये ऐसे कर दें, कोई मुझे टेंशन नहीं है। वो मेरे सारे कपड़े इस तरह बड़े अच्छे से बना के मुझे पोस्ट कर देती हैं। ये देखें ये इसमें उन्होंने ऐसे बॉर्डर के साथ ये ट्राइंगल्स लगाए हैं और थोड़े से सर्कल्स, और ये इसका सारी एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हुई हुई है। तो जो मेरी डिज़ाइनर हैं उनका नाम फिज़ा है, शी लिव्स इन मुल्तान, और उनका इंस्टाग्राम पेज है। अब मैं उनका इंस्टाग्राम का जो लिंक है या पेज है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर कर दूँगी, सो यू गाइस कैन विज़िट हर पेज। मैंने बारात और मेहंदी के ड्रेसेस भी उनसे ही बनवाए थे जो कि अब पाकिस्तान में ही पड़े हुए हैं, वो मैं नहीं मंगवा सकी। इतने हैवी ड्रेसेस यहाँ उनको मैंने क्या करना है। तो ये वाला जो सूट है ये सैफायर कलेक्शन का है, ये भी टू पीस था, इसके साथ दुपट्टा नहीं था। देखते हैं इसके साथ उन्होंने क्या किया। ये देखें जी ये शर्ट है, सारी एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हुई है। ओ माय गॉड लुक एट द डिज़ाइनिंग शी हैज़ डन ऑन द बॉटम। ये देखें ये इन्होंने इस तरह ये बना के, तो इसके नीचे नेट भी लगाई है। ये देखें इन्होंने बाजुओं में भी इसी तरह इसको किया हुआ है। जब मैं ये आयरन करूँगी तो ये सीधे हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपके सामने खो रही हूँ तो ये थोड़े से उनके अंदर बल पड़े हुए हैं। और ये इसके साथ ये शर्ट के ऊपर उन्होंने छोटे से बीड्स लगा के तो इसका गला बनाया है, और इसके साथ ये इसके बाजू हैं।
और जिसके ऊपर उन्होंने ये डिज़ाइनिंग कर दी है और ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये शर्ट का बॉर्डर है जो इसके नीचे उन्होंने डिज़ाइनिंग की, और इसी तरह उन्होंने ट्राउज़र के अंदर भी उसी तरह एम्ब्रॉयडरी का पैच लगा के इसको एक इसके साथ मिला दिया। और ये जो दुपट्टा है ये प्लेन शिफॉन का है और उसके ऊपर उन्होंने इस तरह पाइपिंग करके तो ये उसके सारे को एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन को मिला दिया, विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस एंड एलिगेंट। तो ये एक सूट है, ये शिफॉन का है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, ये मैंने सनाउला वेबसाइट से ऑर्डर किया था। आई डोंट रिमेंबर द डिज़ाइनर नेम, बट ये शिफॉन का सूट है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड। मैंने लिया था कि फंक्शन है, जा रही हूँ तो कहीं कोई बंदा किसी के घर खाने पे चला जाता है या कोई बुला लेता है आपको, तो देन यू मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ ड्रेस, बट सो वी कुड नॉट गो। तो अब ये ड्रेस मेरा आ गया है, तो इंशाल्लाह होपफुली मैं पहन लूँगी। तो ये इसके ऊपर जो है ये सारा शिफॉन का है और ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। इस एम्ब्रॉयडरी के साथ इसके अंदर उन्होंने एक शाइनी सा टच दिया। ये इसकी बैक साइड पे भी इसी तरह बूटियाँ सी बनी हुई हैं और ये शर्ट की, और ये फ्रंट है और इसका ये दुपट्टा। तो ये इनाया का ड्रेस है जो कि हमने मारिया बी से ऑर्डर कराया था मेहंदी पे पहनने के लिए, और इसके साथ ये गरारा बना हुआ है। अब तो ज़ाहिर बात है हम नहीं जा सके, तो सो शी इज़ गोना वेयर इट एट सम पॉइंट। ये भी इनाया का एक ड्रेस है जिसके साथ ट्राउज़र है ग्रीन कलर का, और इसके साथ ये शर्ट है जिस पे अम्ब्रेला सी बनी हुई है, और ये और इसके साथ इसका ये चुनरी वाला दुपट्टा है, ये समर कलेक्शन में है। ये भी एक अनदर इनाया का ड्रेस है, इसका ये पेपुलम टॉप है रेड और गोल्ड के कॉम्बिनेशन का, ये बना ये प्रिंट बना हुआ है, गोल्ड प्रिंट या ब्लॉक प्रिंटिंग जिसको कहते हैं वो हुई है इसके अंदर इसके ऊपर, और इसके साथ जो है घाघरा है। और ये काफ़ी अच्छा पार्टी वेयर टाइप है, ये लाइम लाइट से मैंने लिया था। Showed me this dress and I really wanted to put it on. So then I put it on and this is how it looked like. और ये मेरे कुछ रेडी टू वेयर कुर्ते थे जो कि मैंने तब ऑर्डर कराए थे, वो भी अब आ गए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो क्लोथ्स की, ना कि रेसिपी की। तो आई वाज सो एक्साइटेड जब मेरे क्लोथ्स आए, तो आई रियली वांटेड टू शेयर इट
with you guys. So hopefully you must have enjoyed the video as I have enjoyed showing you all my clothes. So guys, if you like my videos, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Happy cooking. Allah Hafiz and bye.